इस वक्त असं खड़े हाँ ओंटारीओ के लंडन शहर में जिथों के वसनीक आफजल परिवार के चार जियां के कतल के संबंध में अज दोष तय किए गए हैं। इस संबंधी असी इतों के मुस्लिम भाईचारे नाल खास गलबात करांगे। साडी जिहड़ी कम्यूनिटी है इत्थे उहदे विच बड़ा चिंता की गल सी कि पता नहीं उत्थे की फैसला होगा। ही इज़ अ रेसिस्ट टेररिस्ट, ही हैज़ नो हार्ट। मैं समझना कि जिसले ये चीज़ सामने आई सी कि उहदा मैंटल हैल्थ का इशू विच लिया जा रहा सी ते लोकां दा ख्याल सी कि मैंटल हैल्थ की वजह तो उहनूं शायद कुछ उहदा कोई फायदा होएगा, उहनूं बेनीफिट मिलेगा, लेकिन ऐसी गल नहीं सी। उहदे विच सी कि देखिया जाणा सी कि उस बंदे दे काम जिहड़ा इंसीडेंट उहने कीता, चार बंदियां दी जान लिती, ते उहदे पिछे उहदा की मिशन की सी, मकसद की सी उहदा। मुझे अज तक उह दिन याद है जब ऑल ऑफ द सडन लाइक मेरी उसे थर्सडे को बात हुई थी, एंड जब ये न्यूज़ हमें मिली थी विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज के मतलब ऐसा हुआ, विच वॉज टोटली अनबिलीवेबल एंड शॉकिंग, क्योंकि मैं पूरी उनके फैमिली को जानता था और बहुत ही अच्छे लोग माशाल्लाह। I just saw the news. I think justice has been served, and I think that will bring the some sort of healing to the community. His daughter, she went to Oak Ridge. My son went to Oak Ridge. Yeah, I know friends of mine, you know, study at the same school with his daughter. And imagine the little boy. He left alone. He has no father, no mother, and no sister, and no grandma. How you feel, man? जो हेट क्राइम है बेसिकली वो जो है वो इज़ ऑन द राइस, बट शुक्र अल्लाह ये है कि कम से कम जो है वो ये चीज़ जो है वो उन्होंने कंट्रोल की है गवर्नमेंट ने। लेकिन अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि किस तरीके से हम इसको रोके फ्यूचर के लिए कि आइंदा से ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। उन्होंने लोगों नू जनता नू आम तौर पर मैसेज देना है कि मतलब कि कोई भी ऐसा जिहड़ा बंदा गलत काम करेगा उहदे वास्ते इत्थे कोई सेफ हेवन नहीं है कि उत्थे जो जाणगे कर लेंगे। तां इस गलबात दौरान लंडन दे मुस्लिम भाईचारे ने जिथे अज दी अदालती कार्रवाई का स्वागत किया है उत्थे इस केस विच मिसाली सज़ा देने की भी मांग की है तां जो भविख विच अजिही घटना दुबारा ना वापरे। सुखपाल सिंह औलख, ओमनी न्यूज़, लंडन।